Hello and Zahin everyone, this is Ujwal, the General Secretary of Gyan Sela Education Trust. I welcome you all in my NGO, the Gyan Sela Education Trust. तो मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे NGO के एक बहुत ही रेस्पेक्टफुल और बहुत ही हार्ड वर्किंग हमारे मेंबर हैं, जिनका नाम है मुकुल शर्मा जी, जिन्होंने हमारे टीचर्स के हार्डवर्क को लेकर कुछ उन्हें डोनेट करने के लिए, उन्हें कुछ उपहार देने के लिए सोचा। सो वो यहाँ पर आज अनुपस्थित हैं, इसीलिए मैं उनकी जगह मैं उनकी बेटी रूपन मैम को बुलाना चाहता हूँ, वो हमारे टीचर्स की और हौसला अफजाई करें। सो वेलकम मैम। हेलो ज्ञान शिला टीम, हेलो टीचर्स, और थैंक यू शिवम सर, आज आपने मुझे इस चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटी दी। तो मैं देखती रहती हूँ वीडियोज भी, टीचर्स बहुत डेडिकेटेडली अपना काम करती हैं, लेकिन क्या आप सभी को पता है कि हमें पढ़ाने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है? आप में से कितने टीचर्स हैं जो अपना लेसन आप डिलीवर करने जाते हो तो उससे पहले अपनी प्रिपरेशन करके जाते हैं? कितने टीचर्स हैं ऐसे? सभी टीचर्स जाते हैं। तो हमें अपनी लर्निंग को कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए। अगर हम आज इस प्लेटफॉर्म पे हैं कि हम कुछ बच्चों का फ्यूचर बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी लर्निंग स्टॉप ना हो, हमें उनसे ज़्यादा पता होना चाहिए काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, तभी हम उनको वो डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है, हमें अपनी लर्निंग को कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए, हमें अपनी नई नई चीज़ों को लर्न, हम हमेशा क्यूरियस होना चाहिए कि हम नई नई चीज़ों को कैसे सीख सकें। ठीक है, और आपको बच्चे आज देखते हैं एक आइडल की तरह देखते हैं, ठीक है, एक रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो हमें अपने आप को उसी तरीके से ढालना है कि आगे अगर हमें कोई स्टूडेंट्स हमें फॉलो करना चाहिए तो अच्छा ही जाए उनके सामने, चाहे वो डेडिकेशन हो, चाहे वो अच्छी अच्छी वैल्यूज हों, कल्चर, ठीक है, ट्रस्ट, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें हमें, डिसिप्लिन, सबसे इंपॉर्टेंट टीचर के लिए डिसिप्लिन होता है। ठीक है, हम जो अपना एनवायरनमेंट बनाएंगे आसपास वो बहुत ही डिसिप्लिन होना चाहिए ताकि ये बच्चे भी वही सीखें आगे और उसी को फॉलो करें। ठीक है, वैसे तो मैं देखती रहती हूँ, सर से भी बात हो रही है, काफ़ी अच्छे से आप लोग काम कर रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आगे आने वाले समय साल में भी बहुत अच्छे से काम करेंगे, पिछले साल से बहुत इम्प्रूव्ड वे में काम करेंगे। थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि मैम ये जो गिफ्ट है हमारे टीचर्स के लिए, और आज बहुत हमारे लिए बहुत नया दिन है, हैप्पी न्यू ईयर हमारे सभी ज्ञान शिला वासियों के लिए। सो नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सो सबसे पहले नैन्सी मैम आए और मैम प्लीज। सुहानी मैम वेलकम। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मुकुल सर का एंड रूपन मैम का, जिन्होंने इस बारे में सोचा कि हमारे जो टीचर्स हैं उनकी हौसला अफजाई करा जाए, उनको मोटिवेट करा जाए, उनको सपोर्ट किया जाए, एंड इस वंडरफुल गिफ्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू। एंड सभी को आई विश हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू सो मच, एंड एट लास्ट आई वुड से आप अच्छे से ही, कैसे भी सही हो, कितनी परेशानियाँ आए और हर परेशानियों में, हर दिक्कतों में हमारा ज्ञान शिला का साथ कभी ना छोड़ें, और ज्ञान शिला हमेशा एक से नहीं आप सभी से है। सो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।